रतलाम रेल मंडल के DRM विनीत गुप्ता बुधवार को एक बार फिर नीमच आए। यहाँ उन्होंने स्टेशन, रेलवे कॉलोनी सहित आसपास की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारी को उचित दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि एक हफ्ते पहले 21 अक्टूबर को भी DRM नीमच पहुंचे थे। यहाँ व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर सुधार के निर्देश DRM ने दिए थे। मीडिया से चर्चा में DRM विनीत गुप्ता ने बताया कि आज रतलाम से नीमच तक ट्रैक का इंस्पेक्शन किया गया है। इस दौरान नीमच में स्टेशन, रेलवे कॉलोनी और आसपास की सुविधा का निरीक्षण किया है। साथ ही जो कमियां पाई गई उन्हें दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। अपने दौरे में DRM ने सफाई व्यवस्था पर जोर दिया है। इसके अलावा रेलवे कॉलोनी में मूलभूत सुविधा से संबंधित माकूल इंतजाम करने के लिए भी अधिकारी को निर्देशित किया है। आज मैं एक्चुअली रतलाम से लेकर नीमच तक का मैंने ट्रैक का इंस्पेक्शन किया है और आज का खास पर्पस था नीमच में आके कॉलोनी का और यहाँ की जो आसपास की सुविधाएं उसका निरीक्षण करना। तो जैसा कि आपने देखा वो सारा निरीक्षण किया गया है और उचित आदेश दिए गए हैं। हाँ, जैसे कमियां तो कुछ हैं, वो कमियां को दूर करने के लिए बताया गया है। ख़ास तौर पे सारी जो जोर है हमारा वो सफाई व्यवस्था पे है। ड्रेन है वो साफ़ रहनी चाहिए, कॉलोनी में जो बिल्डिंग में साफ़ सफाई है वो मेंटेन होना चाहिए और जो बेसिक सुविधाएं हैं जैसे घर में पानी आना, बिजली आना और उसका टॉयलेट ठीक होना, बाथरूम ठीक होना, इन सब पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गार्डन में इम्प्रूवमेंट काफ़ी कर लिया गया है, जो छोटे मोटी चीज़ें उसमें कुछ बच्चों के लिए और खेलने के लिए उपकरण लगाने की व्यवस्था की जा रही है और जो रेलवे ग्राउंड है उसको टचअप करके और इम्प्रूव किया जाएगा जिससे कि हम उसको व्यावसायिक रूप में बुकिंग कर सकें। कल यहाँ पे बोहरा समाज के धर्मगुरु हैं सैयद सैयदना जी, वो आने वाले हैं। उस सिलसिले में वो कुछ स्टेशन पे उनका सम्मान करने की परमिशन लेने आए थे, उस सिलसिले में बात हुई। नीमच से आसिफ अली की रिपोर्ट।